नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आजकल हर स्टूडेंट, जो हर आरपीएससी एस्पिरेंट है, उसके दिमाग में स्टूडेंट यही चल रहा है कि सर वैकेंसी जो है आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की शिक्षक भर्ती की हम अखबार पढ़ते हैं, ये डेली आ रहा है कि भाई सेकंड ग्रेड के पद जो हैं वो लगभग स्टूडेंट आपके 35,000 के आसपास खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो पद हैं स्टूडेंट वो आपके 21,000 के आसपास खाली हैं। तो सर क्या होगा इन भर्तियों का, क्या भर्तियाँ जल्दी आएंगी, लेट आएंगी, कब तक आ सकती हैं? स्टूडेंट देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की। तो सर बिल्कुल ये सच बात है स्टूडेंट कि अभी शिक्षा विभाग में बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है और बहुत बड़े पदों पर स्टूडेंट जो है आपके पद जो है वो खाली भी हैं। वैकेंसी कब तक आ सकती है स्टूडेंट? तो मुझे लग रहा है, जहां तक पूरी उम्मीद है, फेब 2024 है ना, यानी कि अगले महीने स्टूडेंट मुझे पूरा यकीन है कि भाई आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ सकती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, जब से नई सरकार अस्तित्व में आई है स्टूडेंट, तब से आपके 6 और 7 वैकेंसी आपके जारी हो चुकी हैं अलग अलग विभागों के अंदर, है ना, 6 से 7 वैकेंसी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड आती है तो पदों की संख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट पदों की संख्या फिलहाल कम हो सकती है ना, फिलहाल, यानी कि एक बार जो आपके शॉर्ट कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे कि जो भी आपके कुछ भी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ सकता है आपके आचार संहिता से पहले, यानी कि आचार संहिता आपकी मुश्किल से शायद आपकी फेब लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक तक उम्मीद है, तो उसके पहले संभावना पूरी है कि विज्ञप्ति आएगी। लेकिन सुन देखिए, पदों की संख्या है वो फिलहाल कम आ सकती है ना, पदों की संख्या फिलहाल कम आ सकती है। सुन देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि आपको पता है कि पिछली सरकार के टाइम में आपके फर्स्ट ग्रेड के लगभग 2000 पदों पर और सेकेंड ग्रेड के लगभग 1000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी, है ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट कि कम से कम इन पदों के ऊपर तो आपके एक बार वैकेंसी जारी हो जाएगी और उसके बाद में, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, मुझे लगता है स्टूडेंट वापस एक बार पदों की गणना करके और आपके इन दोनों भर्तियों के अंदर रिक्त पदों की संख्या कम से कम आपके 4 से 5 गुना बढ़ करके और फिर आपके सामने आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है अभी ये हो सकता है स्टूडेंट, ये मेरी सोच है, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, वैकेंसी स्टूडेंट लगातार आ रही है और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में दो दो वैकेंसी भी आ गई, जैसे कि आपके आप देख सकते हैं पिछले वीक में प्रोग्रामर भर्ती और आपके संस्कृत विभाग के अंदर आपके लेक्चरर की, दोनों स्टूडेंट एक ही दिन आ गई, है ना। तो आप देख सकते हैं एक ही दिन में दो दो विज्ञप्तियाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही लॉटरी खुल सकती है और ये दोनों भर्तियाँ आपकी आ सकती है। कुछ कम पदों पर आ सकती हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की क्या स्थिति है, भले ही डीपीसी भी हो जाए, जैसे कि मैं अगर सेकंड ग्रेड की बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके आप 9,000 भी खाली कर दो स्टूडेंट, तब भी आपके लगभग 26,000 के आसपास पद रिक्त हो जाएंगे। 9,000 कौन सी, अभी जो वर्तमान आरपीएससी है उसका पदस्थापन का काम चल रहा है स्टूडेंट, है ना। अब ये 26,000 में स्टूडेंट अब आप अगर आधा आधा भी करेंगे 13-13, तो अभी स्टूडेंट देख सकते हैं आधा आधा का मतलब हो गया ये आपका डीपीसी और स्टूडेंट ये आपका आरपीएससी, है ना। तो 13,000 स्टूडेंट आपको खाली दिख रहे हैं, तो भाई 13,000 आपको खाली दिख रहे हैं तो भाई 1,000 पदों पर विज्ञप्ति तो नहीं आएगी, है ना। ये कंफर्म बात है कि विज्ञप्तियों की जो संख्या स्टूडेंट फाइनली वो बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कम पदों पर आ सकती है, और अगर अधिक पदों पर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो सोने पर सुहागा और कुछ हो नहीं सकता, है ना। लेकिन स्टूडेंट को भी विज्ञप्ति चाहिए, है ना, पदों का मैटर इतना नहीं है, क्योंकि उनको एक 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 दिशा दिखनी चाहिए कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं, तो सर उसके लिए वैकेंसी आनी जरूरी है। पदों का इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या पहले भी कई बार आपकी घट या बढ़ चुकी है, और विज्ञप्ति में स्टूडेंट आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्ट में यह लिखा हुआ रहता है दूसरी या तीसरी लाइन में कि विज्ञप्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। स्टूडेंट घटने की संख्या तो चांसेस कम रहते हैं, 99% केस में वो पदों की संख्या बढ़ती ही है, ठीक है। तो एक बार विज्ञप्ति जारी होने की मुझे लग रहा है पूरी पूरी उम्मीद है आपके फैब में आ सकती है या आनी चाहिए, कि जिस द्रुत गति से बुलेट ट्रेन से स्टूडेंट काम हो रहा है मुझे पूरी उम्मीद है, है ना। तो स्टूडेंट आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, देखिए, देखते हैं, आई होप सो कि कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी विद इन आपके 15-20-25 दिनों के अंदर अंदर, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भले ही ज़्यादा पदों पर नहीं आए, लेकिन आनी चाहिए, और हर विभाग के अंदर मुझे लगता है स्टूडेंट विज्ञप्तियाँ आपकी आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देंगी, है ना। तो इसी एक होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ सभी लोग बैठे हैं, हम सभी वेट कर रहे हैं वैकेंसी का कि भाई वैकेंसी कब आएगी। लेकिन उम्मीद है स्टूडेंट, जो एक माहौल बन रहा है, जैसा कि आपके चाह रहा हूँ स्टूडेंट, भले ही कम पदों पर जारी हो,
है ना, कम पदों पर, अगर सेकंड ग्रेड के अंदर आपकी जैसे जैसे कि 1000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति थी तो इसके आसपास आएगी। तो इसमें मैथ में देखिए आपके 300 से 400 पद सर्वाधिक पदों की संख्या मैथ्स में ही आने की संभावना है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति उसकी ऑलरेडी पहले से ही थी और जितने भी पद थे उसमें से आप देख सकते हैं 45% पद खाली रह गए थे, है ना। अब कितनी भी आए लेकिन फाइनली जो है वो आप देख सकते हैं 13,000-12,000 के आसपास खाली रहेगी। तो एक बड़ी भर्ती तो जरूर आएगी लेकिन वो उसका उसमें समय लग जाए, लेकिन अभी फिलहाल कम पदों पर भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं स्टूडेंट क्या रहता है फाइनली जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल पर स्टूडेंट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।